आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और। आ जाओ। ठीक, तो अभी 2 महीना हो गया जैसे आपको, कैसा रहा ये 2 महीना? 2 महीना अभी नाइट पेन कम हो गया है, रात को जो दर्द होता था वो कम हो गया। अभी घुटन में पेन रहता है। किसमें? घुटने में, नी पे। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, और हिप में थोड़ा सा पेन है। थोड़ा सा पेन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाकी बच्ची चेयर से उठने बैठने में? चेयर से उठने बैठने में बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। पहले से कितना परसेंट माने? अभी 50%। जब यहाँ से गए थे तो घर जाके भी कुछ रिलीफ मिला था? हाँ, जैसे कुछ तो रिलीफ तो यहाँ पे ही बताया था आपने, है ना? और फिर घर जाके भी थोड़ा सा और समझ में आया होगा, है? एक्सरसाइज थोड़ा बंद हो गया था, नहीं तो और ये भी पेन। अच्छा, एक्सरसाइज क्यों बंद हो गया था? क्योंकि मेरा 12 घंटा ड्यूटी है, इसीलिए नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बकाया अभी और करता हूँ फिर। ठीक है, दौड़ का उसमें ज़्यादातर भाग दौड़ रहता है मेरा ड्यूटी में। तो वर्क अपना सारा कर रहे हो? कर रहा हूँ, सब कुछ कर लेते हो, ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब वर्क भी कर ले रहे हो और जो है अपना ट्रीटमेंट भी चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, देखते हैं 7 डेज में कितना चेंज होगा। तो ये देख सकते हैं कृष्ण मोहन महाराणा का एक्सरे है, 1/11/2021 का। इसमें देख सकते हैं पेल्विक टिल्ट अच्छा खासा है, ये ऊपर जा रहा है, ये बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, और पैचेस तो है ही है, सरफेस ख़राब है, 4th ग्रेड का है, और ये भी जो है 3rd ग्रेड का है। पेल्विक टिल्ट अच्छा है। अब ये सेकंड थेरेपी हो जाने के बाद, अब ये कृष्ण मोहन महाराणा, देखिए इनका नाम है, और 24/2 यानी आज का है। अब इसमें ऊपर तो नहीं, मगर हाँ इसको और इसको देखिए सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है। अगर हम एक पेपर से देखें इसका, तो पेपर स्ट्रेट पेपर आता है बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये, और अगर हम इसको मिलाते हैं ये, तो ये देखिए गैप है कितना ज़्यादा टिल्ट हो रखा है, पेल्विस टिल्ट कितना ज़्यादा है इसमें। ठीक है ना, तो पेल्विस टिल्ट का सुधार हुआ है। दोनों को आप एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, पेन वेन कम हो गया काफ़ी? हाँ, कम है। नाइट वाला पेन? नाइट वाला पेन। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेद, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और हैं, मिस्टर कृष्ण मोहन महाराणा जी, ये इनकी सेकेंड विजिट है। तो सबसे पहले तो नमस्कार कहें। नमस्कार सर जी, बताइए कि पहली विजिट में आपको क्या क्या चेंजेस हुए, दूसरी में क्या क्या चेंजेस हुए, और सबसे पहले तो एवियन हुआ कैसे शुरू? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा 2019 में गिर गया था गाड़ी से, तो 2020 फर्स्ट कोरोना में घर में जब बैठ गया तो मेरा पेन चालू हो गया, और चलना फिरना भी कम हो गया, मतलब उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था। तो गांव में डॉक्टर के पास जाके दिखाया, तो डॉक्टर ने बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जो भी डॉक्टर, दो डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि एक बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक टैबलेट दिए खाया। फिर मुंबई में आके जब डॉक्टर को दिखाया तो मुंबई में डॉक्टर बोले कि MRI करने के लिए, तो मुंबई में जब MRI किया तभी पता चला कि एवियन सेकेंड और थर्ड। उसके बाद एक्सरे, आपके पास एक्सरे और MRI भेजा, फिर आप बुलाए तो मैं आया, देखा तो 4 और 5 बोले। अभी फर्स्ट टाइम तो चल नहीं पा रहा था, इधर जब आया फर्स्ट थेरेपी में, और थेरेपी के बाद पेन कम हो गया, रात का पेन कम हो गया, रात में सो नहीं पाता था, इतना तकलीफ होता था। जैसे लंबा सोता था, थोड़ा पैर उठाता था तो पेन होता था, करवट भी नहीं बदलता था, बहुत पेन होता था। और पेन टैबलेट खाने से क्या होता था ना,
पेन एक सेकंड के लिए ठीक हो जाता था, फिर पेन चालू हो जाता था। बहुत पेन टैबलेट खाया फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर जब थेरापी किया, थेरापी में पेन कम से कम 30-40% कम हो गया। रात को तो मेरे को पता नहीं चलता है मैं कब सो गया ऐसा। पहले तो 4-5 बजे तक पेन रहता था सोने में, सवेरे जाके थोड़ा सा आँख बंद होता था, नहीं जाता। अभी सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, खाली थोड़ा पेन रहता है, ज़्यादा दूर चलने में थोड़ा पेन आ जाता है। और सेकंड थेरेपी में अभी जाने के बाद पता चलेगा वो पेन रहेगा कि नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि थेरेपी के बाद जो है पेन कम होते हैं तो और बेटर कंडीशन हो जाती है, बट थेरेपी के साथ साथ तो थेरेपी के बाद भी। अभी चलने में भी कोई ये नहीं, चलता हूँ 1-2 किलोमीटर। पहले तो थोड़ा सा दूर चलता था तो बैठने के लिए मन करता था, और बैठ जाता था तो उठ नहीं पाता था, पूरा नस खींच लेता था और घुटन में दर्द और कमर में ये हिप में दर्द आ जाता था, बहुत ये था। अभी बेटर है, अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो और भी जो एवियन के पेशेंट हैं जिनको चोट की वजह से, उनको क्या सलाह देना चाहिए? हाँ, अभी जैसे कि दर्द होता है तुरंत कोई भी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करिए, और MRI करके साफ से डायरेक्ट कंसल्ट करिए, और आ जाइए इधर थेरेपी करिए, और एक थेरेपी ले लीजिए, आपका बहुत अच्छा लगेगा, खुद ही समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या लेना है वो आपके ऊपर है। थैंक यू। अच्छा, इसको अपनी उड़ीसा की लैंग्वेज में बोलेंगे और बेटर रहेगा उड़ीसा के लोगों के लिए, है ना? मैं मु उड़ीसा रो ला मु मुंबई रे मुंबई रे रायगिरी काम करुचे। लॉकडाउन रे मु गांव को गली मुंबई रे मु कौन ना एक्सीडेंट गाड़ी रो पड़ीगिरी माड़ हेतला हिप रे। तो लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन रे मु गांव को जेतो गली घरे बसीली, तापरे मोर पेन आरंभ हो गला। ब्रह्मपुर गली, ब्रह्मपुर डॉक्टर को देखेली, तंगे कहले कि ऑपरेशन करना पड़ियो, आ हिप रे हिप घसी हिप जॉइंट रे घसी हेची, आ तेनु करी मो से औषध खाइली। औषध पेन टैबलेट खाइवा द्वारा आ किछि क्षण के पई पेन कम हो जारा, तापरे आउ थरे पेन पड़े आसियार। भुवनेश्वर रे देखेली कैपिटल हॉस्पिटल रे मध्य ओ पेन दवा देवा पर किछि समय पई पेन कमी जियार, आउ थरे पेन पड़े आसियार, आउ थरे एमिदे चलला। तापरे मु कौन ना चली परियार नै, एते पेन हेबार, रात्रि सोई परियार नै। तापरे मुंबई आसली, तो मुंबई आसिकरी डॉक्टर देखेली, से डॉक्टर कहले कि MRI करो। MRI जत मु कल्ली MRI एवियन जना पड़ला, सेकेंड आउ थर्ड, सेकेंड थर्ड जत जना पड़ला, सेट भी पेन टैबलेट देले, से पेन टैबलेट खाइकरी मु काम करियार। तापरे यूट्यूब मु सर्च करिकरी देखियार डॉक्टर विजय प्रकाश, तो मु कानपुर विजय डॉक्टर विजय प्रकाश, तो तांको पाखरे तांको फोन नंबर नहीं करी मु फोन करी MRI रिपोर्ट आ ये एक्सरे पठेली। पठेयारो तांके कोन गले मते डकेयारो मु आसीगिरी थेरापी करली। थेरापी करिया द्वारा मोर जो पेन होतला किछि परिमाण रे, फर्स्ट थेरापी रे किछि परिमाण मोर कम होयला पेन, आ रात्रि सोयार जो पेन हेबार सेटा कमी होला, आ चालो बुलो मते करि पडछि ठीक रे, किछि असुविधा नै। एबे सेकंड थेरापी करि गिरि जिबी, गला परे
आहरी केते मोर परसेंट कमी जीव बाकी भल आपण मध्य एमिति असुविधा रे पड़ी थिबे बोले सारंग साथे कांटेक्ट करंतु आ गोड़ जति एवियन वाला ले सारंग साथे डायरेक्ट यूट्यूब जाइगिरी सर्च करिगिरी सारंग साथे कंसल्ट करिगिरी आसंतु ट्रीटमेंट फास्ट थेरापी नियंतु आपण जानिया केते परिमाण ठीक हो छ। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। तो आपने सुना इनके उड़ीसा की लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में इनके विचार सुने। आई थिंक आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होगा। तो आप सभी लोग जो भी इनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं इनकी बातों को ध्यान से सुनिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग की एवियन की समस्या को समाधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिल सके आपको। टिल देन बाय बाय।